मशरक बालू माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ जिला खनन पदाधिकारी ने अभियान छेड़ दिया है। सावण में जारी अवैध बालू के कारोबार से माफिया तत्व माला माल हो रहे हैं, लेकिन सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रही है। खनन पदाधिकारी के कार्रवाई से सारण और आसपास के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सारण जिले के एसएच 90 पर बंगरा मिडिल स्कूल के पास सारण के खनन निरीक्षक सह जिला खनन पदाधिकारी मधुसूदन चतुर्वेदी, साथ में अंचलाधिकारी मश्रा, ललित कुमार सिंह व थानाध्यक्ष राजेश कुमार अपने दलबल के साथ 12 चक्का ट्रक पर गिट्टी लदा और 14 चक्का दो ट्रकों पर बालू लदा पकड़कर 3 ट्रकों को जब्त किया गया, जहां मशरक प्रखंड के डेहरी एसएच 90 पर बंगरा मिडिल स्कूल के पास अवैध बालू के खिलाफ खनन निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी मधुसूदन चतुर्वेदी, अंचलाधिकारी ललित कुमार सिंह एवं थाना अध्यक्ष राजेश ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक को जब्त किया है। यह कार्रवाई खनन निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी ने अवैध बालू के खिलाफ कहा कि इन तीनों ट्रकों पर जुर्माने की राशि तय की गई है और बालू लदे ट्रकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। मैं जिला खनन पदाधिकारी सारण, आज के अभियान में जो अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जिले में चलाए जा रहे हैं, उसमें बंगरा के पास 3 ट्रक को जब्त किया गया है। जब्त करने के उपरांत ऊपर आवश्यक कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक पर, जो कि 14 चक्का से रिलेटेड है, उसे प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक चक्का गिट्टी लोडेड था, जिस पर ओवर लोडेड सहित उसका जुर्माना की राशि तय की गई है, जो बाद में जमा किया जाएगा और तब गाड़ी रिलीज होगी। आपका नाम क्या हुआ सर? मधुसूदन चतुर्वेदी। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।